मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पिछले एक साल से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी का गिरता ग्राफ हम सब ने देखा है। गोदी मीडिया को पीएम मोदी भले ही खरीद कर अपनी वाई वाई करा लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देश की जनता ने उन्हें देखना बंद कर दिया है। बस इसी बात से डरे साहब ने खुद यूट्यूब पर आकर अपना चैनल सब्सक्राइब करने की अपील की। जो प्रधानमंत्री 6 महीनों से मणिपुर के लिए शांति की अपील नहीं कर पाए, जो अनंतनाग में जवानों की शहादत पर संवेदना के 4 शब्द नहीं बोल पाए, वो बेशर्मी से यूट्यूब पर लोगों को फॉलो करने और घंटी दबाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। जी हाँ, दरअसल ये डर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को यूट्यूब पर करीब 2 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनके वीडियोस देखने वालों की संख्या 2 से 3 हजार ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जननायक राहुल गांधी को यूट्यूब पर करीब 30 लाख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनके वीडियो देखने वालों की संख्या मिलियन होती है। राहुल गांधी का हर वीडियो कई मिलियन बार देखा जाता है, वहीं प्रधानमंत्री को देखने वालों की संख्या 1000 या 2000 रहती है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता से घबराए प्रधानमंत्री अब सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अब पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी देश के युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की परेशानियों को सुनते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। पीएम मोदी यूट्यूबर के अवतार में देश के लोगों के सामने आए तो रवीश कुमार और फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने गोदी मीडिया और पीएम मोदी के फुल मजे लिए। रवीश कुमार ने पीएम मोदी के चैनल सब्सक्राइब करने की अपील करने पर कहा, मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्या सब्सक्राइब करते हैं, देश को पता ही नहीं है, लेकिन वो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए देश से अपील कर रहे हैं। गोदी मीडिया के बाद भी प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल के लिए अपील करनी पड़ रही है, तब तो सीटों को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो ईडी से जांच करा लें कि खाली बैठे गोदी सीटों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, और लगे हाथ अडानी से संबंधित रिपोर्ट की भी जांच हो जाएगी। वहीं फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि मोदी जी जरा ये बताइए, मणिपुर के लोग आपका चैनल सब्सक्राइब कैसे करेंगे, क्योंकि वहां तो इंटरनेट बंद है। पीएम मोदी का यूट्यूबर वाला अवतार देख पब्लिक हैरान है, और रमेश कुमार जैसे पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि जब सुधीर चौधरी, अनवर गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप जैसे अनगिनत पत्रकार पीएम मोदी की पल पल की अपडेट देने को तत्पर रहते हैं, तो पीएम मोदी को खुद इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।